हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम आपको सैर कराने वाले हैं अपने ही देश में स्थित बेहद ही खूबसूरत स्थान, जहां स्थित है दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। वह खूबसूरत राज्य जो देश का पहला ODF राज्य घोषित हुआ था, पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण राज्य जिसकी आबादी 7 लाख से भी कम है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं स्वर्ग से भी सुंदर राज्य सिक्किम की। दोस्तों, मैं राजेश स्वागत करता हूं अपने चैनल RK वीडियोज में। दोस्तों, वीडियो मज़ेदार होने वाली है तो लाइक करना ज़रूरी है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। दोस्तों, हम आपको डिजिटली रूप से सिक्किम घुमाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत का 22वां राज्य सिक्किम का गठन 1975 में हुआ था। पहाड़ी इलाका होने के कारण सिक्किम बेहद ही खास हो जाता है। सिक्किम का 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है, तो सामरिक दृष्टिकोण से भी सिक्किम बेहद ही खास हो जाता है। देखने में अंगूठे आकार का सिक्किम 7096 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो सिक्किम की कुल जनसंख्या 6,10,000 के करीब है। गंगटोक सिक्किम की राजधानी शहर होने के साथ ही सबसे बड़ा शहर भी है। अंग्रेजी, भुटिया, लिपचा, नेपाली यहाँ की प्रमुख बोली जाने वाली भाषाएं हैं। सिक्किम अपने छोटे आकार के होने के बावजूद भौगोलिक दृष्टिकोण से काफ़ी विविधतापूर्ण है। अपने विविधता के से भरे भौगोलिक क्षेत्र के कारण सिक्किम पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सिक्किम में कभी नागयाल वंश का शासन हुआ करता था। 1975 में सिक्किम का विलय भारत में हुआ, तब से सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बना हुआ है। सिक्किम सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कुछ अलग दिखता है। वैसे तो सिक्किम में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या अधिक है, फिर भी सिक्किम में सभी तरह के हिंदू त्योहारों को भी मनाया जाता है। पर्यटकों को लुभाने के लिए यहाँ के लोग बड़ा दिन का आयोजन करते हैं। पहाड़ पर बसे होने के कारण सिक्किम खेती के लिए अनुपयुक्त जगह है, फिर भी पहाड़ों के ढलानों पर झूम कृषि की जाती है। तिस्ता नदी जो सिक्किम के उत्तर से दक्षिण में बहती है, तिस्ता को सिक्किम की जीवन रेखा भी कहा जाता है। केवल 7,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले होने के बावजूद यहाँ जनसंख्या का वितरण सामान्य नहीं है। जनसंख्या दक्षिणी भागों में निवास करती है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में ही स्थित है। दोस्तों, अभी तक हमने सिक्किम के इतिहास एवं भूगोल के बारे में बात कर रहे थे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सिक्किम से जुड़े कुछ रोचक जानकारी जो दिमाग को हिला देने वाली है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत में स्थित सिक्किम बेहद ही खूबसूरत राज्य है। सिक्किम में आबकारी कर कम होने के कारण यहाँ शराब काफ़ी सस्ती मिलती है। लोग यहाँ सुरा और सुंदरी का लुत्फ काफ़ी उठाते हैं। सिक्किम घने वनों से घिरा एक बेहद ही सुंदर राज्य है। सिक्किम की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि एवं पर्यटन पर आधारित है। देश के सबसे अधिक इलायची का उत्पादन सिक्किम में ही होता है। अभी तक सिक्किम में रेल मार्ग का विकास नहीं हो पाया है। दोस्तों, सिक्किम जाने के लिए आपको सिलीगुड़ी होते हुए जाना पड़ेगा। सिक्किम की राजधानी शहर गंगटोक में 140 से भी अधिक गुफाएं हैं।